पाकिस्तान में कुछ नया क्रिएट करना और फिर टेक्निकली एक्सेलेंट क्रिएट करना एक बहुत बड़ा काम है और पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज टूडेज मैनेजर्स टू पास विद फ्लाइंग कलर्स व्हेन इट कम्स टू दैट द ओपनिंग क्रेडिट्स आर ब्यूटीफुली डन Whoever did those big props to you. Moazmi's cinematography is as always top-notch. Main characters ki styling or wardrobe design, bahut thoughtful hai. the locales, the houses, the masks, the drawings, all this great attention to tiny details really enriches the visual narrative. जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो ये है कि सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत अच्छा है हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में अब इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं होता पॉप म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं होता बट दिस इज़ अ ग्रेट अटैम्प्ट एट शो केसिंग पाकिस्तानी इंडी म्यूजिक दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स क्योंकि इस सीरीज़ को पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड से नहीं गुजरना पड़ा तो इसमें लेस्बियन किरदार देखना उनको एक रेगुलर तरीके से रिप्रेजेंटेड देखना आम ट्रांसजेंडर किरदार देखना अच्छा लगा मेरे ख्याल में सीरीज जहाँ पर लैकिंग है वो स्क्रिप्ट है इसमें एक सेंसेशनलिस्ट हद तक वायलेंस का इस्तेमाल है यहाँ तक कि ये महसूस होता है कि स्टोरी की लैक ऑफ डेप्थ को वायलेंस पॉन्स से मेकअप करने की कोशिश की जा रही है आई ऑलसो फील इट नीडी टू कम विद सम समिंग बिकॉज द गोर इज इंटेंस वुमेन बर्निंग मैन विद आय बीटिंग दैम विद हॉकी स्टिक्स मेकिंग निहारी आउट ऑफ दैम दिस बिट बाई द वे कम्स फ्रॉम रोल डाल शॉर्ट स्टोरी लैम टू द स्लॉटर

छोटे कैरेक्टर्स में से मुझे हिना बयात का रोल सबसे अच्छा लगा बिकॉज नॉट ओनली इज़ इट वेल रिटन द स्टोरी ऑफ अ वुमन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मेकिंग इट बिग एंड देव विलिंग टू डू वोट एवर टेक्स बट हिना ऑल्सो मैनेजेस टू एड रियल ह्यूमैनिटी टू इट सानिया सईद का अपने गे हस्बैंड को मारना और निमरा बुचा का अपने उस हस्बैंड को मारना जो अपनी बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करना चाहता है को ऑलमोस्ट इक्वेट किया गया है ऐसा महसूस होता है कि एक मैरिड क्लोजेटेड मर्द के डिजायर्स और एक बाप के अपनी बच्ची को रेप करना एक जैसे जरायम हैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही रेले में बहा दिया जाता है और यूं महसूस होता है कि हाँ ये सब बुरे मर्द जो मरना डिजर्व करते हैं जुगनू और उसके एम्प्लॉई की रिलेशनशिप की ग्रोथ की कहानी भी इसी तरह की सडन और इनएक्सप्लिकबल है हाउ डू मूव फ्रॉम हियर जूनियर स्कूल इन इंग्लैंड टू रिक्रूट बॉयज फॉर हिज फ्यूचर प्रॉस्टिट्यूशन रिंग यहाँ पर ज्यादातर कैरेक्टर्स प्लॉट डिवाइस ज्यादा और कैरेक्टर्स कम लगते हैं चलिए अगर आपकी स्टोरी प्लॉट ड्रिवन है और कैरेक्टर ड्रिवन नहीं तो किस्तों का दौरानिया बहुत लंबा है तकरीबन एक घंटे की किस्त में राइटिंग को बहुत टाइट होना चाहिए और नैरेटिव ड्राइव इतना स्ट्रॉन्ग कि आप एक से दूसरी किस्त में सीमलेसली मूव करते चले जाएँ इसके लिए हर किस्त के आखिर में क्लिफ़ हैंगर होना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता शुरू में जो सीरीज डिटेक्टिव प्रोसीजर लगती है जिसके हर एपिसोड में एक केस होगा जो कि ये खातन मिलकर हल करेंगी और जो सीरीज़ को एक नैरेटिव स्ट्रक्चर देगा मिड वे बिल्कुल पलटा खाकर एक सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है इसके अलावा ये महसूस होता है कि स्टोरी बोर्डिंग करते वक्त आपने ये सोचा कि औरतों के कौन कौन से मसाइल हैं और आपने एक लिस्ट बनाई और एक से पचास तक आपके जहन में जो कुछ भी आया आपने एक ही सीरीज में वो सब कुछ घुसेड़ दिया डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल हरासमेंट चीटिंग फोर्स मैरिजेस सुसाइड मर्डर पॉवर्टी बैड वर्किंग कंडीशन इंटर एक्सप्लाइटेशन पुलिस वायलेंस इंसेस्ट रेप अबॉर्शन कैनिबलिज्म कलरिज्म रेसिज्म क्लासिज्म फोर्स प्रोस्टिट्यूशन मतलब कुछ छोड़ा नहीं इसके अलावा कोई गेस्ट स्टार भी नहीं छोड़ा माहिरा खान वाला सीन खास तौर पर गैर जरूरी था वेब सीरीज ऑफ क्लिक आईट ऑफ क्वेश्चनिटीटिव अगर अंकल इफ्तार की बारह फैक्ट्रियां हैं तो उनको जलरा जैसे लो लेवल बिजनेस में पढ़ने की क्या जरूरत है प्लॉजिबल सिचुएशन तब होती जब जलवा मुल्क का सबसे लूक्रेटिव फेयरनेस ब्रांड होता और वो अपना सब पैसा उससे बना रहे होते बट अपेरेंटली इफ दी अंकल इज सो ही लाइक्स टू गिव कैंसर फॉर द ऑफ इट नॉट बिकॉज इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर एक ऐसी मॉडल जो एक ब्रांड के लिए पहली दफ़ा इश्तिहार कर रही है उसे कैसे पता लगता है कि ये क्रीम कैंसरस हो सकती है अगर ताबिंदा जो ब्रांड की पुरानी एम्बेसडर थी उनको अपने कैंसर तजर्बे और मुख्तलि ख़ीन के शिकायत के बाद कुछ शक होता तो इस बात पे फिर भी यकीन किया जा सकता था और फिर वो नई एम्बेसडर शीला को रीच आउट करती टू इनफॉर्मर ऑफ हर यर डायलॉग्स की पेस और बैंटर की फ्लो उसके अलावा ओकेजनल फम्बल्स मेक इट ऑल थोड़ा स्टिल्टेड थोड़ा ट्राइंग टू हार्ड अंकल इफ्ती इज पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक इन दिस रिगार्ड द सीरीज अल्टीमेट बैडी इज क्वाइट स्लो ऑन द अपटेक हेयर ही रिएक्ट्स अ फुल थ्री लेफ्ट द फ्रेम don't you walk away from me jugnu. and here he seems to be fumbling to recall dialogues which doesn't really convince one of his ruthless villainy. i'm focused on writing my book now gender power and colonialism they'll probably put a fatwa on me for my radical views. उमेराना का कैरेक्टर जानता है कि उसकी वाइफ शीला को ट्रैक कर रही है लेकिन वो आराम से बैठा रहता है कि उसकी बीवी तमाम मामला का खोज लगा ले और उस तक पहुंच जाए। his garden. तमाम छोटे मेल एक्टर्स ने अपने किरदारों के साथ पूरी तरह इंसाफ किया है जबकि लड़कियों में मुझे अमतुल बवेजा का कैरेक्टर छोटा होने के बावजूद

पाकिस्तान में डिवोर्स सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं चाहे बीवी कितनी ही अमीर क्यों ना हो हमारे लीगल सिस्टम में कोई एलमनी कोई जायदाद की डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती एक एक पैसा निकालेगी वो अपने से अब ना ही किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाने से कोई फर्क पड़ सकता है जिस माशरे में चार शादियाँ जायज़ हैं वहाँ आवाम के लिए औरतों के साथ चीटिंग कोई माने नहीं रखती एंड लास्टली सीरीज के आखिर में जुबनू गोज बेबी पाकिस्तान में सिंगल औरतों के लिए अडॉप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। Since these situations are a big part of the narrative and stem directly from it, I wish lack of alimony and the difficulties surrounding adoption in Pakistan could have been addressed. इस पर वक्त आपका सारा तैयार है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाहर हाल क्रेशन का अमल एक बहुत मुश्किल अमल है। मुझे बाज़ात एक वीडियो बनाने में दो महीने लग जाते हैं क्रिटिसिजम इज़ ऑलवेज ईजियर देर फॉर आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट एवरी डेब्यू डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज कुडोज टू आसम देन एग्जीक्यूटिंग समथिंग ऑन सच ग्रैंड स्केल एंड पेविंग द वे फॉर अदर पाकिस्तानीज टू थिंक एंड ड्रीम एंड एंड्रूव अपॉन दिस डोंट दिसमर